अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिबहल पर यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल चमक धमक की फरा को आखिर ड्रामे से क्यों निकाल दिया गया, आज की वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं। तो मजीद ड्रामा प्रोमो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा लेना। तो चल जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल चमक धमक में आने वाली फरा नाजरीन बहुत ही अच्छा नेगेटिव रोल कर रही थी और नाजरीन यहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा उसे पसंद करते थे। नाजरीन उसकी चलाकियाँ देखते थे, वो किस तरह से रामीन के ऊपर ढाल रही है जुल्म, और नाजरीन उसे बहुत ही ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे। तो नाजरीन यहाँ पर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसे ड्रामे से क्यों निकाल दिया गया, आखिर इसकी क्या वजह है। तो नाजरीन इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो नाजरीन ये है कि ये खुदा और मोहब्बत सीजन 3 में आ चुकी है और नाजरीन इनकी शूट उससे इस ड्रामे से भी पहले की शायद चल रही थी, जो कि नाजरीन आप लोगों ने इन्हें उसमें देखा होगा। और नाजरीन यह बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही हैं और उसमें बहुत ही ज्यादा एक स्वीट लड़की का करेक्टर अदा कर रही है और वहां पर भी बहुत ज्यादा लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। और नाजरीन अगर बात हम करें कि चमक धमक में से इन्हें क्यों निकाल दिया गया, तो नाजरीन एक तो ये बात थी कि नाजरीन यहां पर शायद इनके जो रोल थे वो हो गए थे खत्म, जिसकी वजह से इन्हें निकाल दिया गया। और नाजरीन शायद हम लोगों को ये जो फरा है ये लास्ट एपिसोड तक हम लोगों को दिखाई दे जाए, क्योंकि नाजरीन यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं उसे ढूंढने की और नाजरीन ये कामयाब भी हो जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर जो फरा होगी वो बहुत ही ज़्यादा एक स्वीट लड़की बनकर निकलेगी, अपनी चलाकियाँ सारी की सारी भूल जाएगी, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की अभी दिखाया जाएगा आने वाले एपिसोड्स में। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि उसे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और ये हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कीमती कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना। ओके बाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।